महाराष्ट्र राजनीति एवं दिल्ली को स्थानांतरित तो। सरकार गठन नहीं जारी रही अचलावस्था उभय बीजेपी और शिवसेना निज निज जिद अड़ बस आज देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय सभापति अमित शाह को भेटे सरकार गठन नहीं गुरुत्वपूर्ण आलोचना हो पाए से सोनिया गांधी को भेटुंट एनसीपी मुख्य शरद पवार सोनिया आज सब् विरोधी को नहीं एक बैठक डाकी बैठक में केन्द्र मोदी सरकार आर्थिक विफलता को नहीं आलोचना करा जिबा और बैठक में महाराष्ट्र सरकार गठन नहीं सोनिया पवार आलोचना करार संभावना रही सेपटे शिवसेना आज राज्यपाल को भेटू साक्षात को सौजन्यमूलक शिवसेना नेता संजय राउत कहते तेज राज्यर वर्तमान स्थिति नहीं शिवसेना राज्यपाल को अवगत करापड़ी दल पाखे 170 विधायकों समर्थन रही दावी कर संजय आहरी किसी विधायक जोगाजोग अच्छा तेणु शिवसेनारु ही राज्यर मुख्यमंत्री हे जदि बीजेपी सहित कौन सी आलोचना हुए ताहा केवल मुख्यमंत्री पद को नहीं हम वर्तमान सुधा सरकार गठन नहीं कौन सी कथबार्ता हो ना से स्पष्ट कर 7 तारीख सुधा सरकार गठन नहीं चित्र स्पष्ट नहले नियम अनुजाई 8 तारीख में राज्य में राष्ट्रपति शासन जारी होबे नूतन सरकार रे सहयोगी शिवसेना सामिल हेब कि नहीं महाराष्ट्र नूतन मुख्यमंत्री भाव में बीजेपी नवनिर्वाचित विधायक दल नेता देवेन्द्र फडणवीस आसंता काली किंबा 6 तारीख में शपथ ग्रहण करे सूचना मिली विराट आकार में आयोजित होगा यह शपथ ग्रहण उत्सव मुंबईर वांखड़े स्टेडियम अनुष्ठित होगा। राज्यपाल महोदय से जरूर आज हम मिलने जा रहे हैं, मैं जा रहा हूं, उनका अपॉइंटमेंट भी है। मैं मानता हूं ये एक कर्टेसी विजिट है, सदिच्छा भेंट है, आज जाकर जरूर हम उनसे मिलेंगे, वर्तमान राज्य की स्थिति के बारे में बातचीत करेंगे। देखो बातचीत तो होती है ना, बातचीत तो होती है, अभी अभी उद्धव जी से बात मेरी हो गई, जो बातें कहनी है जरूर कहूंगा। बढ़ुवा प्रदूषण को नहीं दिल्ली एनसीआर रे हाहाकार, दिल्ली प्रदूषण को नहीं आज तीन टी बड़ खबर रही जहाँ आज दिन सारा नजर रही। आज प्रदूषण को नहीं सुप्रीम कोर्ट रे शुणा, दिल्ली एनसीआर रे द्वादश पर्यंत स्कूल आज बंद रहीपरी प्रदूषण कम करने नहीं दिल्ली सरकार आज ठार् जुग्म अजुग्म फर्मूला लागू कर। दिल्ली प्रदूषण को नहीं आज सुप्रीम कोर्ट रे शुणा, जस्टिस अरुण मिश्र बेंच करेंगे मामलार शुणा, ईपीसीए रिपोर्ट आज विचार प्रदूषण कम करने नहीं ईपीसीए निज रिपोर्ट रे अनेक सुपारिश करोली हो प्रदूषण उपर कोर्ट शुणा करेंगे। दिल्ली एनसीआर रे घोषणा होई छी हेल्थ इमरजेंसी, राजधानी दिल्ली में आज ठार् लागू ऑड इवन नियम 15 जाए ही नियम लागू करा जिबा, सकाळ 8 रु संध्या 8टा जाए लागू हेब ऑड इवन नियम। एहा पूर्वरु घोषणा करिसेंती एने पूर्वरु घोषणा मध्ये करिसेंती दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तेबे रविवार दिन लागू हेब नाही एही नियम। नियम अनुसार आज इवन अर्थात गाड़ी नंबर शेष संख्या 02468 थिबा गाड़ी ही रास्ता रे चलाचल करिवे, सेपरी ऑड नंबर गाड़ी चलाचल बंद रही। दिल्ली में प्रदूषण मात्रा ह्रास करने लगी आरंभ ऑड इवन नियम, नियम भांगिले देवाक पड़ 4000 टंकार जरिमाना, तेरे आज प्रथम दिन में जरिमाना लागू होबना लोकं सचेतन करने प्रशासन और स्वेच्छासेवी को स्वेच्छासेवी पक्ष उद्यम जारी रही। नियम अनेक मिली छाड़, नियम नुआ नियम अनुसार महिला दिव्यांग एवं दुईचकिया जान को छाड़ कर सहित नुआ स्कीम रे अनेक वीवीआईपी जरूरीकालीन सेवा महिला और स्कूल वाहन को मिली छाड़, केंद्र सरकार का समस्त मंत्री को एथिरु छाड़ मिलता बेले मुख्यमंत्री एवं सरकार का मंत्री को एथिरे रखा जाय छी। हमको आदेश मिले कि जागरूकता करनी है, जागरूकता पैदा करनी है पब्लिक के अंदर, यह है बताना है अभी दो दिन तक उनको समझाना है भाई आज आपका नंबर नहीं है, कल से आपका नंबर है, इस डेट के हिसाब से आप चलिए ऑड और इवन के हिसाब से चलिए, जैसे डेट आज इवन डेट है 4 तारीख है तो 2, 4, 6, 8, 10 ये नंबर चलेंगे, पब्लिक को समझा रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, उसके बाद फिर भी कोई नहीं मानता तो दो दिन बाद फिर इन पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी, फाइन नहीं लगेंगे, जागरूकता अभियान है आज दो दिन से। तो आज हमें पता नहीं था कि आज से चालू है वो चीज़ का। कहाँ से आ रहे हैं? सरायकाले खान से। सरायकाले खान से
तो कल से आप फॉलो करेंगे? कल से फॉलो करेंगे। फायदे हैं, ट्रैफिक कम रहेगा, लोगों को आसानी से अपनी जगह पहुंचने में टाइम नहीं लगेगा। इस वक्त पूरे नॉर्थ इंडिया में पॉल्यूशन बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है, पराली का धुआं फैला हुआ है, बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। हम पराली के धुएं को कम नहीं कर सकते आज की तारीख में, अब ये फैल चुका है, लेकिन कम से कम हम अपने पॉल्यूशन के जो सोर्सेज हैं उनमें कमी ला सकते हैं। और वेहिकुलर पॉल्यूशन दिल्ली में अपनी दिल्ली के लिए करना है हमें, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब वो छोड़ दीजिए, अभी अपने लिए करना है, अपने बच्चों के लिए करना है। अगले 10 दिन तक अगर हम ऑडविन फॉलो कर लेंगे तो दिल्ली के अपने सोर्सेज में कमी आएगी, कुछ तो राहत मिलेगी। दिक्कत के समय में अगर थोड़ी सी हार्डशिप हम कर लें और थोड़ी सी राहत मिले, मुझे लगता है ये सबके लिए फायदे की चीज़ है। सारी दिल्ली मिलकर ऑडविन को सफल बनाएगी। केंद्र सरकार को पराली पे काम करना था, वो उसने किया नहीं, कम से कम दिल्ली जिस तरह से कर सकती है दिल्ली तो उतना करेगी। दिल्ली वासी जो हैं वो चीज़ को समझते हैं कि आज दिल्ली में प्रदूषण को सबसे पहला जो एक प्रायोरिटी है वो प्रदूषण को कम करने की, और मुझे बड़ी खुशी है कि दिल्ली की सड़कों पे आज सारी इवन नंबर की गाड़ियां चल रही हैं। पॉल्यूशन कम हो रहा है, पराली भी है काफी मेन मुद्दा, पराली है। देखिए पराली का जो पॉल्यूशन है उसको तो हम कम नहीं कर सकते, लेकिन वाहनों से जो पॉल्यूशन हो रहा है मुझे पूरी उम्मीद है कि उससे पॉल्यूशन में कमी होगी। दिल्ली का पॉल्यूशन लगातार सीवियर कैटेगरी में बना हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के अक्षरधाम के पास और आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि किस तरह से आज भी सड़कों पर धुंध छाई हुई है। पॉल्यूशन पर नजर रखने वाली संस्था सफर के मुताबिक अभी मौजूदा जो पॉल्यूशन का स्तर है वो 708 दर्ज किया गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से पॉल्यूशन का स्तर दिल्ली में बढ़ा हुआ है, और आज से दिल्ली में ऑड इवन भी लागू हो रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं बात करने के लिए। ये बताइए कि आपने मास्क लगाया हुआ है, कितना फेस कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हो रही है? ये फेस तो कर ही रहे हैं, मतलब पॉल्यूशन से, मतलब चोकिंग है, हो रही है। अच्छा, थोड़ा सा सांस में प्रॉब्लम आई रही है। तो आपने मास्क किसी लिए लगा हुआ है? कि ताकि बचाव हो सके। जी हाँ। जिससे फायदा होता है? फायदा थोड़ा बहुत तो इफेक्ट होता ही है, मतलब थोड़ा बहुत जो हार्मफुल गैसेज आती है उससे थोड़ा तो इफेक्ट होता ही है। तो अभी दिक्कत क्या हो रही है, आँख में जलन, गले में, और क्या क्या हो रहा है? आँख में जलन भी हो रही है, कल मतलब कल ही उन्हें पूरा फेस वॉश। तो देखिए लोग मास्क लगाकर यहाँ निकल रहे हैं। तो ये तस्वीर अक्षरधाम की, जहाँ हम दिखा रहे हैं आपको किस तरह से धुंध है, लोग मास्क लगाकर निकल रहे हैं, और ये पॉल्यूशन का लेवल जो है वो बदस्तूर जारी है। सुरेंद्र जी, ऑड इवन पर क्या कहना है, किस तरह की योजना है? ऑड इवन एक अच्छा, इन्होंने सोचा है कि एक दिन ऑड चले और एक दिन इवन चले, उससे रोड के ऊपर ये फैक्ट्रैक की गाड़ियाँ कुछ कम निकलेंगी। पॉल्यूशन की इस समय बहुत ज़्यादा मार है, पॉल्यूशन हालांकि गाड़ियों से इतना शायद नहीं होता जितना कि पराली जलने से होता है। पराली जलने से तो आप फॉलो करेंगे ऑड इवन के? हम ऑड इवन भी फॉलो करेंगे। अच्छा, आप बताइए ऑड इवन को लेकर आपका क्या कहना है, क्या इससे वाकई पॉल्यूशन आपको लगता है कम होगा, और क्या फॉलो करें लोग इसको? यस, बिल्कुल, इससे बहुत पॉल्यूशन में फर्क आएगा। अभी देखिए मौसम, ओडिशा को वर्तमान पाई बात्या भय नहीं, बात्या आसीबा नहीं, जो गुजब सृष्टि होई छी से संपर्क स्पष्ट करी नहीं पाणिपाग विज्ञान केन्द्र। भुवनेश्वर आंचलिक पाणिपाग विज्ञान केन्द्र कहिछि वर्तमान सुधा कौनसी लघुचाप सृष्टि होई नहीं, आसंता सप्ताह जाए ओडिशा प्रति कौनसी बात्यार आशंका मध्य नहीं, तबे उत्तर आंडामान और म्यांमार उपकूल में सृष्टि होइतिबा घूर्णिवलय स्थिर अछि। यार प्रभाव में आसंता 12 घंटा मध्य उत्तर आंडामान समुद्र में लघुचाप सृष्टि होवार संभावना रहिछि। यह पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगकु गति करी पूर्व केन्द्रीय बंगोपसागर में अपात्र रूप नेब, तेबे सप्ताहे जाए होइथिबा पूर्वानुमान रे ओडिशा रे लघुचाप कौनसी प्रभाव पड़िबार नाही, तापर यह ओडिशा को प्रभावित करिब कि नाही एबेठारु कहिब नाही बोली सूचना देइछंती आंचलिक पाणिपाग विज्ञान केन्द्र पाणिपाग विज्ञानी सुधाकर मल्लिक। उत्तर आंडामान समुद्र और म्यांमार उपकूल गोटे घूर्णिवलय अच्छी जहाँ थी से अवस्था अच्छी, आशा कर आगामी 12 घंटा मध्य यह एक लघुचापर रूप नेब, एवं यह क्रमश पश्चिम उत्तर पश्चिम को दिगक गति कर नॉर्थ आंडामान सी प्रवेश कर, क्रमश घनीभूत होवार संभावना रही, दुई तीन दिन पर यह डिप्रेसन रूप नेब बोली आशा कर। तेज आगामी 7 दिन आम जो फोरकास्ट दि जाए तार कौन सी प्रभाव ओडिशा पे?